एक बहुत उत्सुक इंसान ने औरतों के सारे राज जान लिए। मैं माफी चाहती हूँ पर गवाह ज्यादा दिन नहीं बचते। फ्राइडे रात हमेशा मजेदार नहीं होती, हर कोई पार्टी कर रहा है और तुम और मैं बस सोचकर उदास बैठे हैं। पर हमारे पास एक डेट प्लान है मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क के साथ। तुम एक सुंदर सेल्फी भी पोस्ट नहीं कर सकती? रुको, सुंदर पिक्चर के लिए सिर्फ सुंदर चेहरा ही नहीं चाहिए, शूज हमारी निराशाजनक हालत को ठीक कर देंगे। अपना पजामा ऊपर खींचे ताकि वो शॉर्ट में ना आए। किसी भी ड्रिंक से एक वाइन का ग्लास भरें। अपने पैरों और वाइन ग्लास की पिक्चर लें। अपना टो दिखाएं। और आपकी फ्रेंड एक रोमांटिक फोटो ले रही है। एक लाल गुलाब, हाई हील्स, आपके इंस्टाग्राम स्टोरी में। ये पोस्ट पक्का आपके फ्रेंड्स को उत्सुक बनाएगा। ओह, एक नया मैसेज, उसने मुझे कुछ सेल्फीज भेजी, कितना प्यारा है। ये मुझे अपनी एक भेजने को कह रहा है, उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। आखिरकार हर अच्छी तस्वीर के पीछे एक मेहनती फोटोग्राफर होता है। सही एंगल चुनना, लाइट सेट करना, सुंदर पोज चुनना और सबसे बढ़िया शॉट चुनना। खैर नहीं, ये सब खराब है, जगह बदलते हैं। हरी बैकग्राउंड और तेज सूरज की रोशनी, ये बहुत बढ़िया होगा। पर फोटोशूट के नतीजे अभी भी काफी अच्छे नहीं, शायद एक फ्लफी मॉडल स्थिति ठीक कर देगा। ओहो, बिल्ली के बच्चे के साथ एक पिक्चर होना हमेशा अच्छा विचार है। चौरासी साल हो गए, आओ एक पिक्चर चुने और इसे लड़के को भेजे। लड़की होना इतना आसान नहीं जितना लगता है। हर लड़की उस पल से डरती है जब उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाता है जो एक लड़की है। क्या आपको विश्वास है कि आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड जोन से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकते? नकली फ्रेंड की मेन निशानियाँ, वो आपको हर समय अलग करने की कोशिश करती है, वो आपको टोकती है और बातचीत का विषय अपने पर ले जाती है, वो आपके बीच में बैठने की कोशिश करती है और आपके बारे में फालतू मजाक करती है। हो, आखिरकार उसके बिना 5 मिनट, थोड़ा न्यूटेला चलेगा। मेरे पास 2 चम्मच है, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। मेरे पास तुम्हारे नकली दोस्त के लिए भी एक प्रेजेंट है, एक स्वीट ब्राउन सरप्राइज। मैं न्यूटेला को बेंच पर पोत दूंगी, ठीक बीच में, घर उजाड़ने वाले की पसंदीदा जगह। दुर्भाग्य से उसे अपने प्लान्स बदलने होंगे। तुम स्पॉटलाइट में रहना पसंद करती हो, है ना? तुम्हारा स्वागत है। ये कैसी स्मेल है, जैसे किसी ने गैस पास की हो। चलो उठो। हो, अब मैं समझी, थोड़ा ब्राउन सरप्राइज। माफ करना पर आपको चेंज करना चाहिए। और अंत में हम कुछ करीब आ सकते हैं। ओप्स, मुझे लगता है कि मैं अपने जाल में फंस गई। क्या आपके पीरियड्स बिना किसी चेतावनी के आते हैं? हे भगवान, मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम है। बस मेरी मदद करो। क्या एक ब्रश? ठीक है, मुझे लगता है कि उसने मुझे गलत समझा। मेरे बाल ठीक है पर मेरी पैंट, ओह, ये एक सीक्रेट कंघी है, अंदर एक छोटा सरप्राइज है। उसने ब्रश में टेम्पोन को छुपाने का कैसे सोचा? एक औरत की सरलता की कोई सीमा नहीं होती। ब्रश अपनी फ्रेंड को वापस दे दो, किसी को कोई शक नहीं हुआ। लड़कियां डबल डेट से वापस आ रही हैं और असली महिलाओं की तरह दिख रही हैं। एक शांत लुक, एक प्यारी मुस्कान, अच्छे मैनर्स, वो चार्म स्कूल के ग्रेजुएट्स की तरह हैं। पर जैसे ही वो अपने घर में कदम रखती है, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। आरामदेह कपड़े, स्क्रीन टाइम और जंक फूड। लड़कियों को जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो यही करती है। लड़कियों, तुम इतनी गंदी क्यों हो?
क्या तुम जवाब में एक डकार को भूल करोगे? क्या बदलाव है? क्या आप यही करती हैं? आओ कमेंट्स में जानते हैं। क्या आप अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही हैं? हाँ मैं रास्ते में हूँ। जल्दबाजी कभी भी काम नहीं आती और आज आपको फटी हुई जीन्स पहननी है। अरे नहीं, मेरा पैर हमेशा गलत जगह में क्यों जाता है? एक गलत हरकत और पैर पर फालतू छेद दिखाई देने लगते हैं। मुझे ये जीन्स अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन्हें पहनना सजा है। मुझे लगता है कि मैंने कर लिया, मुझे बस इन्हें जिप करना है। इतनी देर क्यों हो रही है? ओह, आप फिर से अपनी जीन्स के साथ झूम रही थी। तुम्हें कैसे पता? तुम एक पैर को अभी भी डील नहीं कर पाई। उप्स। जो भी हो, लोगों को सोचने दो, ये नया ट्रेंड है। शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमने से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? ये बढ़िया है कि हमारे साथ जेंटलमैन है। स्वेटर के लिए धन्यवाद, मैं इतनी ज्यादा वार्म हो गई। ठीक है, हम घर पहुंच गए। सबको बाय, कल मिलते हैं। फ्रेंड्स के बिना घर सूना लगता है। ओह, मैं स्वेटर वापस देना भूल गई। चलो इसके साथ थोड़ा फन करते हैं। एक बड़ी स्वेटशर्ट ली, अपने पैर में एक बाजू डाली, अपनी बाजू भी डाली, दूसरे हाथ और पैर के साथ भी यही करें और जिप लगाए। अरे इधर आओ जल्दी से, मुझे देखो, मैं दूर के ग्रह से एक एलियन हूँ। क्या आप भूल गए कि मैं भी उसी ग्रह की हूँ? बेशक, इसलिए हम दोस्त हैं। तुम मजा लेने का मौका नहीं छोड़ती। जरूरतमंद लड़की देखकर कौन सा आदमी निकल सकता है? क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे आपको सामान उठवाने में मदद चाहिए। हाँ, ये बॉक्स भी। बढ़िया, अब हमारे पास अपना कुली है। अपना बैग उठाकर थक गए? छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करें। लाल नेल पॉलिश से कट्स और खरोचे ड्रॉ करें। जमीन पर बैठकर दुखी चेहरा बनाएं। बस थोड़ा एक्टिंग टैलेंट और एक गुजरता अजनबी आपकी मदद करेगा। जीवन का स्पोर्टी तरीका, मैंने यही चुना। पर जब आपकी दोस्त आपको अपनी अनहेल्दी ट्रीट्स पर बुलाती है तो वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है। चिप्स, सोडा, ये चीजें आपको फैट से भर देंगी। उठो आलसी। एक बढ़िया हल, अगर मैं एक ही समय में खाती हूँ और वर्कआउट करती हूँ तो फालतू कैलोरीज को मौका नहीं मिलेगा। ये एक महान विचार है। अगर रास्ते में चिप्स आपका इंतजार कर रहे हैं तो चबाना और भी दिलचस्प होता है। और कोक की एक बोतल डंबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये इतने स्वादिष्ट है तो आप जंक फूड को ना कैसे कह सकते हैं? मगर बेशक हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। हमारी जिम सेल्फीज में कोई ट्रीट नहीं होंगी। आपको एक असली जिम हॉलिक की तरह दिखना चाहिए। अरे क्या आपने हमारे नए पड़ोसी को देखा? ये कितना हॉट है। हम उसे बेहतर कैसे जान सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। एक छोटी सी रीअरेंजमेंट करते हैं। अब हमें पक्का एक आदमी की मदद चाहिए। नॉक नॉक, हेलो पड़ोसी, शायद आप हमारी पड़ोसी की तरह मदद कर सकते हैं। आपकी मजबूत मर्दानी बाहों के लिए ये सच में आसान होगा। आपको बस इस सोफे को थोड़ा हिलाना है। सही लम्हे चुने और अपने दोस्त को उसके सपनों के लड़के के साथ अकेला छोड़ दे। फर्नीचर जगह पर हो गया, इसलिए फ्लर्ट करने का टाइम है। ओह, मेरी बुक सब जगह फैली है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, क्या आपको भी? शौक के बारे में बात करना अपने पड़ोसी को जानने का शानदार तरीका है। मेरा पुराना फोन अब अच्छा नहीं रहा, शायद मेरा बॉयफ्रेंड मेरे आईफोन को अपडेट करने के बारे में सोचे। वाह, आप एक गिफ्ट के साथ आए, शायद इसमें मेरे कोई सपनों की चीजें हो। एक मग, ये कितना प्यारा है। अच्छी शक्ल बनाओ, सबसे शानदार एक्टिंग के लिए इस लड़की को ऑस्कर दो। वो कितनी लालची है। मेरी दोस्त मेरी गहराई को किसी से भी बेहतर समझती है। निराश मत हो जाने मन, जाहिर तौर पर लड़के इन दिनों मग में बहुत रुचि रखते हैं। हाँ, अब मेरे पास भी चाय पीने के लिए कुछ है। ठीक है, तो फिर बाकी लड़कियों को डायमंड्स क्यों मिलते हैं और हमेशा हमें ही क्यूटी सेट्स?
दोस्तों हमारे पास कोई ग्रुप फोटो नहीं, चलो कम से कम एक सेल्फी तो ले लें। ये बैग सब कुछ बर्बाद कर देता है, ये मेरे हाथ से हमेशा फिसलता है। शायद आप बैग के साथ मेरी मदद कर सकते हैं। मर्द ही ज्यादातर भारी सामान उठाते हैं। अरे नहीं डियर, इसे खुद पकड़ो। आओ एक ट्रिकी तरीका अपनाएं। एक घुटने पर बैठे और लड़के को भी ऐसा ही करने को कहें। अपनी हथेलियां मिलाएं और बैग मजबूत भरोसेमंद हाथों में है। ओह तुम चालबाजों, पर सेल्फी के लिए खाली हाथों के साथ अब तुम मुसीबत में हो। लड़कियां जॉगिंग के लिए गई। सुबह की जॉगिंग सम्मानजनक है, खासकर जब ऐसे सुंदर लड़के पास में हो। पर वर्कआउट का एक बड़ा नुकसान है, जब आपकी बगल से पसीना आ रहा हो। उप्स, मेरी टी शर्ट गीली है, कितना शर्मनाक। क्या आप अपने बगलों से शर्म महसूस करते हैं? बस ही काम बैंडेड्स की जरूरत है। शर्ट को उल्टा करें, बाजू के अंदर वाले हिस्से पर बैंडेड लगाएं। हो गया। शर्ट साफ और सूखी रहेगी और बैंडेड कभी भी हटाए जा सकते हैं। तैयार, शुरू करें, भागो। क्या आपको लड़कियों के जीवन के बारे में हमारी स्केचेस पसंद आए? आपके साथ कौन सी मजेदार स्थितियाँ हुई हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल पर मजेदार वीडियोस को मिस ना करें।